नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। तो देश में अब 18+ को वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है और आज से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है शाम 4 बजे से, क्योंकि जब यूथ सुरक्षा चक्र बनाएगा तभी देश में कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकेगा। ऐसे में आगे आए और मिलकर साथ निभाएं, क्योंकि देश में शुरू हो रही है वैक्सीन क्रांति। तो वैक्सीन क्रांति अब शुरू हो चुकी है और अब युवाओं पर पूरी जिम्मेदारी यहां पर रहेगी और इसी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरआर तिवारी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं और साथ ही दीप्ति शर्मा हमारे साथ युवा प्रतिनिधि जुड़ चुकी हैं और डॉक्टर गुंजन सोनी भी हमारे साथ हैं, कार्यवाहक अधीक्षक पीबीएम बीकानेर से। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत आरआर तिवारी जी आपसे ही करते हैं। देखिए, अब तो शुरुआत हो चुकी है और एक बड़ा फैसला लिया गया जब 1 मई से वैक्सीनेशन यहां पर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर जो शुरुआत की गई है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब जरूरत बन चुकी थी कि युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। देश में सबसे पहले युवाओं को लगाने के लिए अगर कहा गया था तो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय जन नायक अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि देश की युवा पीढ़ी को बचाएंगे तो ही देश बचेगा। सबसे पहले आज 4 बजे से जो तीसरा चरण टीकाकरण का हुआ, उसके लिए तो मैं स्वागत करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए स्वीकार किया कि कांग्रेस की बात को माना और उन्होंने 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए फैसला किया। प्रश्न ये है कि जब 60 से अधिक उम्र वालों को पूरा नहीं लग पाया और 45 से 60 वालों के लिए ही हमारे राजस्थान में वैक्सीन नहीं है। हमारे राज्य के चिकित्सा मंत्री ने दिल्ली में कहा है, लोगों से प्रेस को बुला करके कहा, हमारे राजस्थान में 7 लाख पर डे लोगों को वैक्सीन लगाने की हमारे चिकित्सा कर्मियों ने इजाद की है, उन्होंने ये तरीका ढूंढा है, लेकिन हालात ये हैं कि राजस्थान में वैक्सीन है ही नहीं। कल 90,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन लग पाई तो देश के बिल्कुल आरआर तिवारी जी, इसीलिए चिकित्सा मंत्री ने भी कहा कि अभी नहीं लेकिन तैयारी के लिए कुछ वक्त यहां पर जरूर लगना है। आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है, बीजेपी नेता है। आशीष जी, देखिए शुरुआत अच्छी है, फैसला अच्छा है और बढ़ चढ़कर युवाओं को अब आगे आना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए भी और इस वैक्सीन क्रांति में अपना योगदान देने के लिए, तभी जो विजन है वो क्लियर हो पाएगा और सफल हो पाएगा। बिल्कुल श्वेता जी, देखिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो स्थिति एक विकराल बनी हुई है कोरोना के कारण, उसका एक ही अचूक उपाय है कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करके लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसमें हमको बिल्कुल युद्ध स्तर पे राज्य सरकार को भी लगना पड़ेगा और केंद्र सरकार जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है 45+ को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो वाला जो ग्रुप है क्योंकि उसमें सर्वाधिक मृत्यु की आकांक्षा रहती है, 90% ऑफ द जो अभी तक डेथ जो डेथ हुई है वो उसी वर्ग में हुई है, तो राज्य सरकार को वो जो 50% कोटा जो केंद्र से मिलेगा और राज्य सरकार अपना जो प्रोक्योर करेगी 18+ के लिए उसको शीघ्र से शीघ्र चालू करना चाहिए। लेकिन जैसे आज ही मैं समाचार पढ़ रहा था कि 15 मई तक तो राज्य सरकार 18+ ग्रुप के लिए ये चालू नहीं कर पाएगी, तो ये गंभीर विषय है कि 18+ को अभी प्रदेश में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। लेकिन आशीष जी, उसके लिए वैक्सीन होनी भी तो चाहिए, शायद इस वजह से ये फैसला लिया गया हो, लेकिन अच्छी बात तो ये ना कि 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, एटलीस्ट युवा रजिस्ट्रेशन करा ले और जैसे अवेलेबिलिटी होगी इसके बाद वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की। नहीं देखिए श्वेता जी, जब 15 मई तक अवेलेबल ही नहीं है वैक्सीन तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, बताइए ना, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे जब वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि स्टेट ने क्या करा कि शुरू के 4 दिन तो ये फैसला लेने में लगा दिया कि हमको फ्री देना है नहीं देना है, जब इनको लगा कि 10 से अधिक राज्यों ने इसको फ्री कर दिया है और इनके ऊपर प्रेशर माउंट हुआ कि अब हमको भी करना पड़ेगा, उसमें लग गया। उसके बाद ये रेट के लिए नेगोशिएट, अब आप देखिए रेट के लिए नेगोशिएट करना था कंपनी से, आप केंद्र सरकार से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार तो खुद भी कह रही है कंपनियों की आप रेट को कम कीजिए, तो केंद्र सरकार को जहां सहयोग देगी मिलना चाहिए वो मिलेगा। देखिए बिल्कुल आशीष जी, लेकिन अब प्रदेश की जनता, देखिए प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, प्रदेश की जनता तो यही उम्मीद करती है कि जो भी यहाँ पर हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार इसे सॉर्ट आउट कर ले, इसको सुलझा ले, क्योंकि जो कहा गया है कि 28 तारीख यानी आज से शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू है, 1 तारीख से कहा जा रहा है। बिल्कुल आशीष जी, लौटेंगे सर आपके पास, लौटेंगे वापस आपसे भी जवाब लेंगे और बहुत सारी चीजें भी है जो जानना आम दर्शक भी चाह रहा है। हमारे साथ दीप्ति शर्मा भी है, युवा प्रतिनिधि है। दीप्ति,
आपने क्या रजिस्ट्रेशन कर लिया है? 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, क्या आपने कोशिश की? जी हाँ, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करूंगी और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी युवा पीढ़ी है 18 से ज़्यादा उम्र वाले, वो रजिस्ट्रेशन करें और अपना वैक्सीनेशन करवाएं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आगे बढ़ के रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन लें। दीप्ति, युवा किस तरह से देख रहे थे, क्योंकि अभी तक ये था जो फर्स्ट फेज हमने देखा, सेकेंड वेव जब अब आ गई है ये और ज्यादा खतरनाक, फर्स्ट वेव उतनी नहीं थी, अब जरूरत पड़ रही है और अब जो आंकड़े भी आ रहे हैं उसमें युवा भी बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इवन डेथ भी हो रही है। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है तो, और ये युवा ही कर सकते हैं, जितना आप आगे आएंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, किस तरह से आप इसे देख रहे हो? जी, मैं कहना चाहूंगी कि जितने ज्यादा युवा ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो वो हमेशा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, मास्क पहने, लाइफ है, कोई मजाक नहीं है, तो आप लोग जितना ध्यान रखेंगे उतना बेटर होगा। एंड आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा के अगर वैक्सीन लेंगे तब भी हम अपने आप को, अपने घर वालों को, सबको सेव कर पाएंगे और साथ ही साथ अपना जितना भी प्रोसेस है जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, हम जल्दी रिकवर कर पाएंगे। बिल्कुल, अब क्योंकि युवाओं के लिए 18+ अगर कहा जा रहा है तो उसके लिए आगे युवाओं को ही आना होगा। डॉक्टर गुंजन सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीबीएम बीकानेर में कार्यवाहक अधीक्षक है। डॉक्टर गुंजन, देखिए, हम डॉक्टर्स की बात करें, व्यवस्थाओं की, प्रशासन की या फिर सरकार के, इंतजाम अपने स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन आज 28 तारीख से शाम को 4 बजे यानी 1 घंटे पहले से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। हालांकि बहुत ज्यादा उसमें क्रैश हो रहा है, लोगों के रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पा रहे क्योंकि एक साथ इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ये जो शुरुआत हुई है इसे कैसे देखते हैं? दूसरा, राजस्थान इसके लिए कितना प्रिपेयर है, कितना तैयार है? वैक्सीन, मैं चाहता हूं कि इसमें क्रांति आनी चाहिए, कि युवाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही ऐसा दवाई है जो कि अपना असर दिखाएगा और युवा इससे बच के रहेंगे और जो हर्ड इम्यूनिटी बनेगी उस हर्ड इम्यूनिटी से हम लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे, पूरी सोसाइटी प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर हर्ड इम्यूनिटी 70% बन जाती है तो कोरोना खत्म हो जाएगा। इसका सबसे कारगर उपाय जो कोरोना का रोकने का है, एक तो वैक्सीन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड सैनिटाइजेशन है। तो जो टीका है इसका फायदा युवाओं को उठाना चाहिए और हम ये देख रहे हैं कि जो अभी ये डबल म्यूटेंट वायरस आया है ये युवाओं को ज़्यादा असर कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है और इसमें जो मॉर्टेलिटी हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। युवा लोग को मैं ये निवेदन करूँगा कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं और आगे आइए और अपना टीकाकरण करवाइए और उससे सोसाइटी भी प्रोटेक्ट रहेगी और कोरोना में भी राहत मिलेगी। बिल्कुल, और इससे ही राहत मिलेगी और युवा जिस तरह से आगे आएंगे तभी ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है डॉक्टर कि पहले जो एज लिमिट थी तय, क्या उसमें पूरे हो चुके हैं? फिर वैक्सीन की कमी को लेकर भी बातें यहाँ पर कही जा रही है, इस बीच में क्या प्रिपरेशन डॉक्टर्स की, गवर्नमेंट की, प्रदेश में है, आपको नजर आती है, या अभी थोड़ा वक्त लगेगा, चैलेंजिंग रहेगा ये? मैडम, वैक्सीनेशन की तो कोई कमी है नहीं, वैक्सीनेशन तो सबको मिल रहा है, लेकिन लोग बहुत डरते बहुत हैं जी। वो लोग डरते हैं कि हमें वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आ जाएगा, ये नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है कि हम कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसका एक हल्का सा बुखार रहता है, जैसे है। बच्चों को भी टीकाकरण होता है तो उसमें भी बुखार आता है, तो एक साधारण सी ये 1-2 दिन का बुखार है, इसे डरिए नहीं। और मैं ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो भी मेरे पास चैम्बर में आते हैं कंसल्टेशन के लिए या हॉस्पिटल में आते हैं, उनसे ये पूछता हूँ कि आपने टीकाकरण कराया या नहीं कराया। अगर आपने टीकाकरण नहीं कराया तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग टीकाकरण का लाभ उठाएं और टीकाकरण से ही हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, जो 70% अगर हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी बन गई। डॉक्टर गुंजन, बिल्कुल ये यही है, देखिए जो आपने कहा कि आते हैं आप उनको मोटिवेट करते, देखिए डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, वैसे तो हर कोई एक दूसरे को समझाता है जो उसके बारे में जानता है बेहतर कि कितना जरूरी है ये, लेकिन डॉक्टर्स जब कहते हैं तो हर कोई उस चीज को एक्सेप्ट भी करता है, मानता है, और जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह से आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। लेकिन बताएं, आपको आईटी एक्सपर्ट आयुष भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, आपका बहुत स्वागत है। आयुष, आपसे सवाल ले, उससे पहले एक अहम सवाल ये कि 18+ को आखिर वैक्सीन कब, क्या 1 मई से शुरू हो पाएगा 18+ को वैक्सीनेशन? ये बेहद एक अहम सवाल है। राजस्थान में करीब 3 करोड़ लोग हैं 18 साल से ऊपर, ये एक आंकड़ा है। हालांकि राज्य सरकार सभी को फ्री वैक्सीनेशन करवा रही है और ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि वैक्सीनेशन राज्य सरकार कराएगी। फ्री वैक्सीनेशन पर करीब 3000 करोड़ रुपए यहां पर खर्च भी होंगे और 3 करोड़ 75
1000 वैक्सीन के ऑर्डर यहां पर दिए भी जा चुके हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा खुद इसे लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 15 मई से पहले राजस्थान को वैक्सीन नहीं मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि कंपनी ने केंद्र सरकार के ऑर्डर का यहां पर हवाला दिया है। 15 मई तक केंद्र सरकार का ऑर्डर यहां पर पूरा करने का हवाला दिया है। ऐसे में 15 मई के बाद ही 18+ को वैक्सीनेशन शुरू होगा, ये चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा। और उसका रीजन भी दिया है जो 15 मई से बात कही जा रही है कि वजह आखिर क्या है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार का ऑर्डर उनके पास, सीरम इंस्टीट्यूट पहले उसे क्लियर करेगा। क्या कुछ रघु शर्मा ने कहा इसे लेकर पहले वो आपको सुनाते हैं। वैक्सीन का टाइम पे सप्लाई मिले, हमारे अधिकारियों ने सीरम इंस्टीट्यूट से बात की, उनका कहना है कि 15 मई तक तो जो भारत सरकार ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं वो ही हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक सवाल उठता है, राज्यों को वैक्सीन कहाँ से मिलेगी? अब हम खर्चा करने को तैयार हैं, अगर वैक्सीन नहीं होगी तो ये एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, तो रघु शर्मा का ये कहना है। और चलिए, क्योंकि आयुष में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईटी एक्सपर्ट है। आयुष, देखिए, अब सबसे जरूरत आपकी ही है। 4 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, लेकिन इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा सर्वर डाउन हो रखा है, यहाँ पर क्लियर ही नहीं है रास्ता कि लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सके। इसकी वजह क्या है, किस तरह से ये सॉर्ट आउट होगा और लोगों को किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि 4 बजते ही एक साथ लोग लग पड़े कि हम रजिस्ट्रेशन कर लें। देखिए, ये आमतौर पर ये प्रॉब्लम आती है जब आप देखें किसी यूनिवर्सिटी का भी जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें भी अचानक बहुत सारे लोग जब उसको एक्सेस करते हैं सर्वर को, तो सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि हर सर्वर की एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। अगर आप VPS यूज़ कर रहे हैं तो केवल 10 Mbps की बैंडविड्थ होती है, और अगर आप डेडिकेटेड सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ ही 1 Gbps होती है, यानी 1000 Mbps। अब ऐसे में अगर रफली देखा जाए तो 300-400 यूज़र अगर एक टाइम पे, या अगर मेन सर्वर की बात करें तो 1000 यूज़र्स अगर एक टाइम पर उसको एक्सेस करते हैं तो 100% है कि वेबसाइट डाउन होगी। अब इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो आजकल जो यूज होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग होता है, जिसमें एक सर्वर के लोड को बहुत सारे सर्वर्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब क्यों इतना बड़ा जब प्लेटफॉर्म बनाया गया उसके अंदर इस चीज का उपयोग क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर ये उपयोग करते जिसमें लोड बैलेंसिंग कर देते, यानी अलग अलग सर्वर्स पर लोड डाल देते, तो ये साइट कभी डाउन नहीं होती। और जब तक भारत सरकार इस चीज का सॉल्यूशन नहीं करेगी ये वेबसाइट कंटिन्यूअसली डाउन रहेगी। इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो कमी है। और ये ठीक है, आपने बताया कि इस तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता, वो तो ये सोच रहा है 28 तारीख से पहले तो लोग 12 बजे से शुरू हो गए थे, इसके बाद चीजें क्लियर हुई कि शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अब जब इस तरह से साइट डाउन हो रही है और आपने कहा कि ये तब तक रहेगा जब तक इसको क्लियर नहीं करते हैं वो, या इस तरह से इसको डिवाइड नहीं करते हैं, नहीं किया जाएगा तब तो फिर लोग कोशिश ही करते रहेंगे और रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकेगा। इसमें कुछ एक तरीका ये है कि कुछ जो ज़्यादातर लोग जो कि जो ऑफिस में जा रहे हैं या अपने जो भी रेगुलर टाइम पे काम कर रहे हैं वो अपना जो डे टाइमिंग से उनमें करते हैं, तो एक दूसरा वे है कि अगर विदाउट डे टाइमिंग यानी नाइट टाइम पर रजिस्ट्रेशन करें उसमें भी काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो सक्सेस मिल सकते हैं। मगर ये सब जो है टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, इसमें अगेन अगर आपका 5000, 10000, 20000 लोगों के रजिस्ट्रेशन एक साथ होने लगेंगे और ये तुरंत जो है सर्वर डाउन होगा, और इसका जो वैकल्पिक दूसरा कोई ऐसा कोई तरीका है नहीं। अदर वेबसाइट्स केस में कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN का यूज किया जाता था, मगर अब क्योंकि इसके साथ एक सिक्योरिटी का भी इशू है और आजकल जो कोविन वेबसाइट और कोविन ऐप है अब हैकर्स के भी टारगेट पर आ चुकी है, तो ऐसे में CDN का जो उपयोग है वो सरकार नहीं कर सकती, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सर्वर्स को ये बढ़ाएं, उसमें जो डेटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसकी बैंडविड्थ को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इससे जो है लोगों को जो है राहत मिलेगी। हालांकि अभी लोग जो चाहें अगर डाउन चल रहा है तो ऑफ पीक आवर्स के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, तब रजिस्ट्रेशन के जो चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे, मगर ये इफेक्ट जो है 20-25% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, अभी हम बात भी कर रहे थे और जैसे कि अभी आपने सुना भी कि रघु शर्मा ने क्या कहा और क्यों 15 मई के बाद ही शुरू हो सकेगा, जो हवाला दिया गया वो यही कि पहले केंद्र के ऑर्डर्स को पूरा होना है और इसी वजह से प्रिपेयर राजस्थान तो है, लेकिन जब वैक्सीन आएगी नहीं तो हम वैक्सीनेशन करेंगे कैसे? देखिए श्वेता जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बातें भी आई हैं। एक तो अभी आयुष जी बता रहे थे कि सर्वर डाउन है, तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ने रजिस्ट्रेशन कराया है अभी 4:30 पे,
रजिस्ट्रेशन तो हो पा रहा है, लेकिन दिक्कत जो मैं बता रहा हूँ ना आपको आ रही कि राजस्थान में 18 प्लस के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब वो 4 से 5 डेट दिखाता है, 29-30 में तो वो शो कर रहा है कि 45 प्लस एलिजिबल है, 1-2-3-4 आगे की डेट में कहीं पर भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब स्वास्थ्य मंत्री ने खुद नहीं कह दिया कि 15 मई तक अवेलेबल नहीं होगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको वेट ही करना पड़ेगा। और देखिए अभी मैं डॉक्टर गुंजन को भी सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है, 45 प्लस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो सरकार को क्या करना चाहिए जब केंद्र सरकार भी उनको प्रोवाइड कर रही है। तो जब तक इनके पास खुद का लॉट नहीं आता 18 प्लस का, जो 45 प्लस वाला जो ग्रुप है जिसमें वल्नरेबिलिटी ज्यादा है उसको एनकरेज करके ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जाए ताकि बाद में लोड कम हो, ये सरकार को करना चाहिए। लेकिन आशीष जी आपने कहा आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि आप जिसका भी कर रहे थे रजिस्ट्रेशन, क्या वो मेरा खुद का ही रजिस्ट्रेशन, मैंने किया रजिस्ट्रेशन में कर पाया हूँ, रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन जब मैं शेड्यूल लेता हूँ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कैसे मिलेगा जब यहाँ पे वैक्सीन ही नहीं खरीदी है सरकार ने, तो मैं अपॉइंटमेंट कैसे लूंगा मुझे बताइए। आयुष इसी पर जवाब आपसे। इसी में ऐसा है देखिए, रजिस्ट्रेशन तो सबके, ऐसा नहीं है कि सबके रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोगों के हो रहे हैं, मगर फिर भी सर्वर डाउन है। और ये सर्वर इसलिए डाउन नहीं कि केवल 18 प्लस वालों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, अगर सर्वर डाउन होता है तो आपके 45 प्लस वाले भी उसमें इफेक्ट होंगे, 60 प्लस वाले भी इफेक्ट होंगे। सर्वर अब ये डाउन होने का रीजन 18 प्लस है, क्योंकि जैसे ही 18 वाला डिक्लेयर हुआ है सब लोगों ने इसको एक्सेस करना शुरू कर दिया, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, इन्होंने एक्सेस करना शुरू कर दिया और इस कारण जो है सर्वर डाउन है। मगर इसका इफेक्ट केवल 18 पे नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट सब पर पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट ने इसको समय रहते इसको ठीक नहीं किया तो इस सबके रजिस्ट्रेशन एक साथ डाउन होंगे, जिन सेक्शंस के लिए वैक्सीन मौजूद है उनके भी रजिस्ट्रेशन इस पे नहीं होंगे। इसकी जो मोबाइल ऐप है वो तो कंप्लीटली डाउन चल रही है पिछले 3 घंटे से, मैंने खुद ने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी, इसकी मैंने ट्रेसर्ट किया, इसका मैंने चेक किया, तो बाकायदा इसके डेटा पैकेट प्रॉपरली अभी नहीं आ पा रहे क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो क्लॉग हो चुकी है। अच्छा ठीक है, इसी पर एक सवाल, आपने कहा कि फोन पर तो ऐप पर तो और नहीं हो रहा है, सिस्टम या लैपटॉप से भी कर रहे हैं लोग उस पे साइट पे जाके, फर्क क्या पड़ रहा है दोनों में? यानी कि अगर सिस्टम से एक बार पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, अभी जो आशीष जी ने कहा कि वो कर रहे हैं लेकिन उसमें वैक्सीनेशन यानी अपॉइंटमेंट का शो नहीं हो रहा है, यानी कि वैक्सीन नहीं है, क्या ये बात सही? क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। टेक्निकल जो एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो उसमें वैक्सीन का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप एक 45 प्लस वाला भी रजिस्ट्रेशन करेगा उसके लिए तो वैक्सीन मौजूद है, मगर उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये एक रीजन नहीं है कि वैक्सीन नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और जो सर्वर्स है वो ऐप के और वेबसाइट के अलग अलग है, इस केस के अंदर ज्यादातर केसेस में सेम होते हैं मगर इस केस में अलग है, इस कारण ये चांसेस है कि ज्यादातर लोग के एप्लीकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इस कारण से ज्यादातर लोग मोबाइल यूजर्स ज्यादा है, इसलिए मोबाइल यूजर्स पे तो बिल्कुल ही एक्सेस नहीं हो रही है, पीसी पे केवल जो है वेबसाइट एक्सेस हो रही है। और उसका भी जो ओटीपी है उसको आने में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लग रहा है, जो कि आमतौर पर 10 से 15 सेकंड में आ जाया करता है, तो ये भी एक बड़ा जो है इशू हो रहा है इससे। बिल्कुल डॉक्टर गुंजन, अभी आपने भी सुना आशीष चतुर्वेदी जिनका कहना है कि वैक्सीन नहीं है अभी, और इससे पहले आप कह रहे थे कि वैक्सीन है, वैक्सीनेशन के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, क्या वाकई में अगर 18 प्लस ये स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए हम तैयार है, वैक्सीन अवेलेबल है उस लिहाज से, और लोगों को कैसे अवेयर करें? क्योंकि देखिए अभी हमारे ये चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए, आपने भी जैसा कि कहा 70% एटलीस्ट यहाँ पर वैक्सीनेट हो जाए लोग, तो बहुत हद तक हम कोरोना से निजात पा सकते हैं, क्या यही वजह आप मान रहे हैं कि लोग आगे आ नहीं रहे हैं या फिर वैक्सीन नहीं है इस वजह से? वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, अभी जो 45 प्लस हैं उनके लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, रोजाना लोग आ रहे हैं, लेकिन बीच में लोग बार थोड़े भयभीत हो गए थे, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे फ्लोट होने लग गए सोशल मीडिया पे कि उसकी वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम हो गई, उसकी डेथ हो गई। इसके लिए ये बहुत गलत भावना है कि कोई वैक्सीनेशन से मर रहा है, वैक्सीनेशन एक प्रोटेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट साधन है। जैसे हम कोई चीज़ इन्फेक्ट करते हैं बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, और इसका जो वैक्सीन है इसका काम भी यही है कि एंटीबॉडीज बनाती है, और जो अगर मान लो हमारे को फिर भी अगर कोरोना इन्फेक्शन होता है तो हमें गंभीर इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें सीवियर डिजीज नहीं होगी, हमें माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी होगी जिससे कि हम निकल जाएंगे। कि वैक्सीन एक प्रोटेक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, टूल है। जैसे कि BCG वैक्सीनेशन लगता था पहले, कि ऐसा नहीं है कि BCG वैक्सीनेशन के बाद TB नहीं होता है, लेकिन TB होता है लेकिन वो माइल्ड फॉर्म में होता है, तो वैक्सीनेशन आपको बचाएगा। मैं सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वैक्सीनेशन जो क्रांति है इसमें आ गए हैं, और जो जो योग्य हैं
वो लोग आए और इसमें अपना वैक्सीन लगवाएं और सोसाइटी की मदद करें। बिल्कुल, और वैक्सीन क्रांति तभी आएगी डॉक्टर गुंजन। बिल्कुल, आपने एक बात अहम कही है आर आर चतुर्वेदी जी। देखिए, एक अहम बात यह भी है कि कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन अवेयरनेस के लिए तिवारी जी क्या किया जा रहा है, आप लोग की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना, जिस तरह की चीजें आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ वायरल हो गया, कुछ मैसेज आ गया, तो लोग डर जा रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, और ये डर रहे हैं कि वैक्सीन, अभी तो हम ठीक है, वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ हो गया तो। ये भ्रांतियां कुछ थी, लेकिन अब धीरे धीरे भ्रांतियां टूट रही हैं। सवाल ये कि आप आधे मन से जब फैसले करते हो, जब देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आधे मन से फैसले करते हैं, देश के अंदर 1.3 अरब की जनसंख्या के होने के बावजूद आपने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण तो कर लिया, लेकिन आपने विदेशों को भेजना बंद नहीं किया। आज भी विदेशों में हमारी वैक्सीन जा रही है। हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी ने 7 करोड़ डोज मांगने के लिए अपने अधिकारियों से कहा, सीरम इंस्टीट्यूट से, कि हमारे राजस्थान में 7 करोड़ डोज चाहिए। आप अभी बता रही थी कि 18 से 45 साल तक के जो युवा हैं, वो करीब 3.5 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास हैं। अगर हम उनको डबल डोज देंगे और उसमें 10% अगर खराब हो भी जाएगी, तो भी हमको 7 करोड़ डोज में हम उनको भरपाई कर पाएंगे। सवाल ये है कि डोज है ही नहीं, भारत सरकार हमें दे ही नहीं पा रही है 45 से ज्यादा। लेकिन देखिए डॉक्टर गुंजन भी हमारे साथ है, वो कह रहे कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, कि डॉक्टर से पूरा देश का टेलीविजन दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा कि आप रेटों को कैसे कर सकते हो। बिल्कुल, इस पर सवाल हो सकता है, रेट को लेकर सवाल हो सकता है, लेकिन वैक्सीन अगर प्रदेश के डॉक्टर ही बोल रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो फिर झूठ थोड़े ना बोलेंगे। मैं नहीं मानता हूँ, राजस्थान में कल 90,000 के करीब ही वैक्सीन थी, वैक्सीन है ही नहीं हमारे पास में। जब हम ये कह रहे हैं कि हम पर डे 5,80,000 को तो लगा चुके, पर डे का कोटा था राजस्थान के अंदर। आशीष जी इसी पे एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं। आशीष जी, देखिए 45 प्लस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, केंद्र सरकार प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए राज्य ने 1,13,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कर पाई है। अब ये तिवारी जी माने या नहीं माने अलग बात है, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हम वो दृश्य देखने के लिए तरस रहे हैं जब राहुल गांधी जी का वैक्सीनेशन होने की तस्वीरें सामने आए। पॉलिटिकली बात नहीं कर रहे सर, राजनीतिक तौर पर नहीं। तिवारी जी, चतुर्वेदी जी, देखिए राजनीतिक तौर पर नहीं, ये मुद्दा यहाँ पर सिर्फ इसलिए है कि हम चर्चा कर रहे हैं इस पर, ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आए, क्रांति यहां पर आनी चाहिए वैक्सीन को लेकर, ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, बहुत हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे, इस पर हम बात इस पर कर रहे हैं। दीप्ति, अभी आपने भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए, लेकिन युवा आगे आए कैसे, कैसे युवाओं को एकजुट होकर इस पर सामने आना चाहिए कि जो भी भ्रांतियां उसे दूर किया जाए या दूसरों को कन्विंस किया जाए, क्योंकि सिर्फ घर बैठे रहने से और खुद ही डर कर रहने से या फिर आप खुद जाकर वैक्सीन लगवा लिए, इससे क्रांति नहीं आने वाली। सबसे पहले तो हमें अपना खुद का डर भगाना पड़ेगा कि वैक्सीन से हम बीमार हो जाएंगे। ये बचपन से होता आता है, आप जब भी वैक्सीनेशन करवाते हैं आपको फीवर आता है, वो माइल्ड फीवर होता है, बट इट्स गुड कि आपको फीवर आ रहा है, तो वैक्सीन से डरने वाली बात नहीं है। हम सबको खुद आगे बढ़ के जाना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, इवन अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, सबको बताना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है कि सबको आप एक दूसरे को ही आप कॉपरेट करोगे, मोटिवेट करोगे, तब जाकर ये चीज हो सकेगी। आयुष शब्द के सवाल पॉलिटिकली तौर पर भी है, चलिए कि राजनीतिक तौर पर सवाल उठेंगे कि हमारे पास कमी, कोई कह रहा है कि वैक्सीन की कमी है, कोई कहता है वैक्सीन की कमी नहीं, एक तरफ कहते लोग जा रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं वैक्सीन है लेकिन लोग पहुंच नहीं रहे हैं क्योंकि डर यहां पर है। और अब जब आज शाम 4 बजे से शुरुआत होगी कि 18 प्लस, यानी जब 45 प्लस में ही इतनी ज्यादा चीजें चल रही थी, 18 प्लस की जरूरत बन चुकी थी, और अब जब ये फैसले लिए जा चुके हैं, आपको लगता है कि अब इसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि देश में जो कुछ हो रहा है, जैसी तस्वीरें आ रही है, वो बहुत नेगेटिविटी बढ़ा रही है। देखिए बिल्कुल, इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें सोचने की जरूरत है, और सबसे पहला काम जो उसके लिए किया जाना चाहिए वो है रूमर कंट्रोल। अभी इंटरनेट पर दुनिया भर के ऐसे आर्टिकल्स और सोशल मीडिया के ऐसे ऐसे पोस्ट मौजूद हैं जहां ऐसी ऐसी एडवाइजेस दी जा रही है कि आप ये वैक्सीन लगाएंगे तो आपके इस तरीके से कुछ हो जाएगा, आपकी बॉडी में ये होना शुरू हो जाएगा। कुछ बड़े जो न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी इमेजेस के साथ जो है मैनिपुलेट करके और कोट्स जो हैं चलाए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ, इसमें एक एडिशन ये दिया कि ब्राज़ील सही
करीब जो 10 कंट्रीज ने एस्ट्रोजेनिका को बैन किया है, क्योंकि वहां कुछ लोगों के ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई है। इस बात को, इस अफवाह को इस इंसिडेंट के बाद एक बल मिला है। इंडिया के अंदर ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ है, मगर दुनिया भर का जो कंटेंट है, जो अफवाह फैलाने वाला कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहले तो कोर्ट्स को या सरकारों को जो है इसको रोकने की जरूरत है। हर व्यक्ति जो है वो डॉक्टर बन रहा है, हर व्यक्ति इम्यूनिटी एक्सपर्ट बन रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी चीज अगेन, जैसे आज से जो 18 प्लस वाला जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, अब कहीं ना कहीं उससे सर्वर्स डाउन हुआ है। इनको सर्वर्स को उसकी स्पीड को, उसकी बैंडविड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके रजिस्ट्रेशन ही नहीं होंगे तो आप किस तरह वैक्सीन लगवाएंगे। तो दोनों तीनों चीजों को जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। सरकार की तरफ से भी जो है कैंपेन्स चलने चाहिए, भारत सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये प्रमोट किया जाना चाहिए कि जिसमें डॉक्टर्स इस बात को की गारंटी लें, एक्सपर्ट्स इस बात की गारंटी लें कि ये जो वैक्सीन है वो सेफ है। क्योंकि युवाओं के साथ बीमारी क्या है कि यूथ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और इंटरनेट इनसे जुड़ा हुआ है। तकरीबन हर यूथ के पास इसका एक्सेस है आज की तारीख में। और जितना आप जो शहरी क्षेत्र का जो युवा है उससे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र का युवा जो है वो सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहा है। इंडिया में औसतन 5.5 घंटे सोशल मीडिया पर जो यूज है वो हो रहा है। तो ऐसे में अगर ऐसी अफवाह फैलती है तो इसका वैक्सीनेशन के अगले स्टेजेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो उसको अभी प्राइमरी डेज में जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल, और अभी इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छा। और अगर जो मिथ है या जो भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर भी है कि कोवैक्सीन ज्यादा बेहतर है, कोविशील्ड नहीं, लोग ये सोच रहे कि हमें कौन सी वैक्सीन लगेगी, तमाम चीजें हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। 4 बजे से शुरुआत हुई है, सिर्फ 4 बजे का कोई मुहूर्त नहीं है कि बस 4 बजे हो गया तो हो गया, वरना नहीं होगा। आराम से अलग अलग वक्त पे हर कोई अगर करेगा तो सर्वर भी प्रॉपर चल सकेगा और इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। क्योंकि जरूरत यहां पर सिर्फ इतनी ही है कि लोग रजिस्ट्रेशन करा सके, जिससे धीरे धीरे वैक्सीनेशन यहां पर हो सके। वैक्सीनेशन के लिए युवा खुद आगे आए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए, तब जाकर ही आ सकेगी ये वैक्सीन क्रांति। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि चर्चा का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यहां पर लोगों को जागरूक किया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके, और ये जिम्मेदारी हमारे साथ साथ आपकी भी है।